हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जम्मू कश्मीर में जब 4 दिनों में 8 जवानों की शहादत हुई तो उसका बदला कल सुरक्षा बलों ने जिस अंदाज में लिया उसकी तस्वीरें सबने देखी। बिल्कुल देखी। देखिए, कश्मीर घाटी में 12 लाख के इनामी आतंक के कमांडर रियाज नायकू को कल सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद जो तस्वीरें आई वो किसी भी हिंदुस्तानी को गुस्से से भर देंगी। देखिए, ये खबर हम आपके लिए इसलिए ही लेकर आए, देश के दुश्मन के खात्मे के बाद उसके हमदर्द सामने आ गए। सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर अटैक कर दिया, लेकिन सुरक्षा बल तो साफ संदेश दे चुके हैं, तुम कितने पत्थर मारोगे हर आतंकी मारा जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर किसी भी हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। सुरक्षा बलों की गाड़ी पर किस कदर पत्थरों डंडों से अटैक करते रहे उपद्रवी। कोई गाड़ी की छत पर चढ़कर तोड़फोड़ कर रहा है तो कुछ गाड़ी के अंदर तोड़फोड़ कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने जब देश के दुश्मन हिजबुल कमांडर रियाज नायकू का गेम ओवर कर दिया तो ये हिंसक भीड़ सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाने लगी। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नायकू बुधवार को सुरक्षा बलों के एक जबरदस्त ऑपरेशन के बाद जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में मारा गया। ये उसी ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें हैं जब सेना की बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर रफ्तार से दौड़ रही थी। देश का एक दुश्मन कल खत्म हो गया। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू के खात्मे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उसे बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ घेरा गया था। देखिए, क्या प्लानिंग थी, कई दिनों से कई महीनों से प्लानिंग चल रही थी। सुरक्षा बलों ने रियाज नायकू के गांव के बाहर 3 दिन पहले से ही डेरा डाल दिया था। गांव से उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे कई दिनों की मेहनत के बाद सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। फुल प्रूफ प्लानिंग इसे कहते हैं। सुरक्षा बलों ने रियाज नायकू के सामने बच निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सुरक्षा बलों के जवान अपनी राइफल के साथ दौड़ लगा रहे थे। बाहर सेना की बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला तैनात था। ये जम्मू कश्मीर के उस ऑपरेशन की तस्वीरें हैं जब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। उससे पहले जेसीबी मशीन से उसके गांव के आसपास खुदाई करवा दी गई ताकि वो भागने ना पाए। फिर हुई सबसे तगड़ी घेराबंदी, फिर शुरू हुआ एक्शन, फिर चली गोलियां, फिर हुआ धमाका और आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिए गए वो घर जहां कश्मीर घाटी में आतंक का कमांडर रियाज नायकू छिपा हुआ था। आखिरकार आतंकी रियाज नायकू उर्फ मोहम्मद बिन कासिम का दी एंड कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में शहीद हुए एक कर्नल, एक मेजर समेत 5 जवानों और 3 CRPF के जवानों की शहादत का बदला ले लिया। रियाज नायकू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर था। ऑपरेशन से 3 दिन पहले जानकारी मिली कि रियाज नायकू अपने गांव बेगपुरा में है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में डेरा डाल लिया। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि वो सुरंग के रास्ते भाग सकता है, जिसके बाद सेना ने जेसीबी मशीन मंगवाकर आतंकी रियाज के घर के पास खेतों और रेलवे ट्रैक के पास खुदाई करवा दी। जब आतंकी रियाज के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए तो उसने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन एनकाउंटर शुरू होने के कुछ ही देर में रियाज और उसका एक साथी आदिल ढेर हो गया। लगभग 6 महीने की मशक्कत है जिसपे हमारे जो लोग पुलिस के जगह जगह पर इसका पीछा कर रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस साथ लेकर के इसको ट्रैक कर रही थी। बताया जा रहा है कि अपनी जान बचाने के लिए रियाज घर की छत पर छुपा था। आखिरी वक्त में वो गोलियां चलाते हुए छत से नीचे उतरा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आईईडी से रियाज का ठिकाना उड़ा दिया। ये उसी ठिकाने की तस्वीरें हैं जो सुरक्षा बलों के किए धमाके से जमींदोज हो चुका है।
जहां नायकू छिपा हुआ था वो तीन घर उड़ा दिए गए। इस तरह कश्मीर घाटी में सबसे लंबे समय से सक्रिय रहने वाले आतंकी कमांडर रियाज नायकू की कहानी खत्म हो गई।